ओम शांति। रूहानी स्थिति में स्थित होकर स्वयं को देखें। भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं एक चैतन्य कोहिनूर हूं। परिवर्तन की शक्ति से संपन्न स्वपरिवर्तक आत्मा हूं। परिवर्तन की शक्ति को अमृत वेले से रात्रि तक कार्य में लगाकर अमृत वेले आंख खुलते ही पहला परिवर्तन, आदि समय का आदि संकल्प की मैं कौन, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, यह अमृत वेले का पहला संकल्प ही सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। मैं आत्मा आदि समय से परिवर्तन शक्ति को कार्य में लाता हूं। जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्म से सत्वप्रधान देवात्मा पाठ बजाने आती है, ऐसे यह अमृत वेला दिन का आदिकाल है। इस आदिकाल के समय उठते ही पहला संकल्प की मैं ब्राह्मण आत्मा आया हूं बाबा से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल और श्रेष्ठ कर्मों का आधार है। अब दूसरा परिवर्तन का संकल्प की मैं किसका हूं। मैं आत्मा एक शुभाभा का हूं। सर्व संबंध एक बाप से, सर्व प्राप्तियां एक बाप से, अपनी परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करके देह के संबंध का परिवर्तन
और फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। यही परिवर्तन सहज याद है। अब देखेंगे अपने आप को अमृत वेले के बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हुए। सदा यही संकल्प की मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूं और यह देह मंदिर है। यह देह चैतन्य मूर्ति का चैतन्य मंदिर है। देखेंगे मैं उस मंदिर को सजा रहा हूं। इस मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरण करते हैं, जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का यह विशेष मंदिर है। जितनी वैल्यूएबल मूर्ति उसी आधार पर मंदिर की भी वैल्यू। अपने संकल्पों को परिवर्तन करके, अवेयरनेस को परिवर्तन करके, अब यही स्मृति की यह मेरा शरीर नहीं बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का मंदिर है। स्वयं ही मूर्ति और स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बनकर मंदिर को सजाना। संकल्पों में परिवर्तन के आधार पर देहभान, मेरेपन का भी परिवर्तन। फिर मुरली क्लास के समय देखे अपना गॉडली स्टूडेंट रूप। सदा यही स्मृति की मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, यह कोई साधारण पढ़ाई नहीं। डायरेक्ट सर्वशक्तिवान बाप मुझे रोज दूर देश से पढ़ाने आते हैं। साक्षात भगवान के महावाक्य मेरी पढ़ाई है। श्री श्री की श्रीमत मेरी पढ़ाई है। जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। स्वयं भगवान बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं।
बाप मेरे लिए टीचर बनकर आए हैं। मैं बाबा का स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूं, इसीलिए बाबा सिर्फ मेरे लिए आए हैं। रोज क्लास के समय यही श्रेष्ठ संकल्प की कौन आए हैं, कहां से आए हैं और क्या पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई पढ़ते समय सुनाने वाली व्यक्ति को ना देख, मैं सिर्फ अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को ही देखता हूं। अब देखे अपने आप को पढ़ाई के बाद सेवा का पाठ बजाते हुए। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे ईश्वरीय सेवा, चाहे प्रवृत्ति की सेवा, चाहे व्यवहार की सेवा हो, सदा यही संकल्प की मर्जीवा जन्म हुआ तो लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। अब कर्म बंधन नहीं, मेरा सेवा का बंधन है। सेवा करते हुए जरा भी अटैचमेंट नहीं। किसी भी आत्मा के साथ सेवा के संबंध में आते, अब चाहे कोई अति पापी आत्मा हो, अति अपकारी आत्मा हो, किसी के भी प्रति नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, रहम दिल बन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होकर सच्ची सेवा करते हुए सदा त्यागी तपस्वी रूप। निमित्त मात्र शरीर निर्वाह, लेकिन मूल आधार आत्मा का निर्वाह। व्यवहार करते शरीर का निर्वाह और आत्मनिर्वाह दोनों का बैलेंस। याद की विधि और धन की वृद्धि साथ साथ। व्यवहार और परमार्थ साथ साथ। लौकिक स्थूल कर्म भी सदा कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करके करना। देखे स्वयं को
श्रीमत पर चलने वाले कर्मयोगी के रूप में कर्म अर्थात व्यवहार योग परमार्थ के अर्थ कर रहे हैं। परम पिता की सेवा अर्थ कर रहे हैं। मैं व्यवहारी और परमार्थी कंबाइंड हूं। बाबा कहते हैं यही परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे, स्थूल धन भी आता रहेगा और अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। सदा याद रहे कि मैं डबल कमाई करने वाला हूं। इस ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र, करणहार की स्मृति का संकल्प, करावन हार कभी भूले नहीं, अनेक प्रकार के व्यक्ति वैभव अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते, व्यक्ति में व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करे, वस्तु व वैभव में अनासक्त भाव धारण करे, पुरानी दुनिया के आकर्षण में अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते हुए मैं अपने संकल्पों में यही परिवर्तन करता हूं कि साधन विनाशी है और साधना अविनाशी। विनाशी साधनों के आधार पर अविनाशी साधना नहीं। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है। मैं साधन स्वरूप नहीं, सिद्धि स्वरूप हूं। साधना से सिद्धि प्राप्त करता हूं। हर लौकिक चीज को देखते, लौकिक बातों को सुनते, लौकिक दृश्य को देखते, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दे। दिनचर्या के अंत में मैं सोने को भी परिवर्तन करता हूं कि मैं बेड पर नहीं, मैं बाबा की याद की गोदी में सो रहा हूं। स्वप्नों में भी फरिश्तों की दुनिया की सैर कर रहा हूं। स्वप्न भी परिवर्तन तो सोना भी परिवर्तन।
परिवर्तन की शक्ति को यूज कर आदि से अंत तक सब कुछ परिवर्तन। ओम शांति।